नाम से जानते हैं, वास्तव में जो ये बार्ली जो है वह होर्डियम फलगेर जो है जो बुद्धि को बढ़ाती हो, वास्तव में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे जो बादाम है या अखरोट है इसको बुद्धि वर्धन के रूप में आयुर्वेद में वर्णन है, वो बुद्धि कारक माना गया है। यदि हम वनौषधियों की बात करें तो बहुत सारी वनौषधियां भी ऐसी हैं जो बुद्धि को बढ़ाती हैं। हालांकि बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमने एक दिव्य मेधावटी हमारे यहाँ बनती है, मेधावटी भी बहुत अच्छी है। दिव्य जो अमृत रसायन है वह भी बहुत ही कारगर है, या च्यवनप्राश आदि भी सहयोगी बन सकता है। परंतु यदि इकलौती कोई ऐसे अनाज की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यदि बुद्धि बढ़ाने का कोई अनाज है तो वह यह जौ, यह जो यव है, यह बुद्धिवर्धक अनाज के रूप में हम इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी रोगी के लिए, किसी भी रोग के लिए बहुत ही निरापद यदि कोई अनाज है तो वह वास्तव में यव है। आज जौ को जितना प्रचारित किया जाना था, जितना इसको स्थान मिलना चाहिए था, आज वो नहीं मिल पाया है। निश्चित रूप से इसके गुणों को यदि हम जानते, यदि हम इसके गुणों को पहचानते, जितना परिश्रम गेहूं को उगाने के लिए करना पड़ता है उससे कम परिश्रम में यह पौधा उग जाता है आराम से। लोग भी उस जगह पर जौ को लगाते हैं जहां गेहूं कम होता है, जहां पानी कम है, जहां भूमि बंजर या पथरीली है, वहां जौ को लगाते हैं। परंतु जौ अत्यंत गुणकारी, अत्यंत लाभकारी अनाज है और इसीलिए इसको आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में भी कहा गया और बुद्धिवर्धक अनाज के रूप में जौ को माना गया। वैसे तो आज बुद्धि की आवश्यकता पहले की अपेक्षा ज्यादा, बुद्धि की तो हमेशा ही आवश्यकता रही है, पर आज कुछ ज्यादा ही उसकी आवश्यकता बढ़ी हुई है। जब बुद्धि की बात आई तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि अनाज के रूप में कोई ऐसा द्रव्य है जिसको हम सेवन करके बुद्धि बढ़ा सकते हैं तो निर्विवाद रूप से यह यव है, यह जौ है। शायद मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है क्योंकि बिहार प्रांत वैसे आर्थिक रूप से विपन्न जरूर हो पर बुद्धि के रूप में सबसे अग्रणी है। ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है क्योंकि जो बिहार है, झारखंड है, वहां पर सत्तू का सेवन बहुत किया जाता है। तो सत्तू के रूप में जिन अनाजों का सेवन किया जाता है उसमें जौ मुख्य है। द्वितीय अनाज के रूप में हम चना को ले सकते हैं। काला चना और जौ का बना हुआ जो सत्तू जो है वह बहुत पिया जाता है। तो जौ बहुत शीतल है, बहुत पौष्टिक भी है। शीतल होने की वजह से यह शरीर की उष्णता को खत्म करता है, अतिरिक्त जो एक्सेस बढ़ा हुआ पित्त है उसको यह शांत करता है। तो पित्त के शमन के लिए, बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए और खांसी के लिए भी, यदि और कुछ भी नहीं, यदि इस जौ को जला करके, इसके राख को जला करके, इसके राख को पाउडर करके आप रख लें, राख को छान करके रख लें, यदि एक एक ग्राम राख सुबह शाम शहद से चिता दिया जाए, खांसी के लिए, कफ के लिए, बलगम के लिए बहुत ही अचूक औषधि है। इसका राख सिंपल जैसे जौ है, जौ यदि ये पंचांग मिल जाए तो पूरा उखाड़ करके इसको आप जला करके राख बना करके रख सकते हैं। ना मिले तो जो घर में जौ है उसको भी आप आग में जला दीजिए, आराम से जल जाता है। जलने के बाद में उसको पाउडर करके रखिए। यदि एक एक ग्राम उस राख को आप पानी से सेवन करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका पेशाब खुल करके होने लगेगा, किडनी के लिए अच्छा है और आपके पथरी के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जिसको खांसी है शहद मिलाकर चटा दें, सुबह शाम यदि आप शहद के साथ चाटते हैं तो उससे खांसी ठीक हो जाती है, श्वास के रोगियों के लिए भी ये लाभकारी है। दूसरी बात ये आती है कि जब कोई डायबिटिक होता है तो जो मधुमेह का रोगी है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि किस अनाज का सेवन करें हम। जब मधुमेह की बात आती है तो मधुमेह के रोगी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अनाज के रूप में हम क्या सेवन करें, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मधुमेह के रोगियों के लिए कोई निरापद अनाज है तो मैं कह सकता हूँ कि जौ सबसे निरापद अनाज है। तो जौ के रूप में आप मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रयोग है, बहुत लाभकारी प्रयोग है। जैसे आप 10 ग्राम जौ ले लें और 5 ग्राम तिल ले लें और 3 ग्राम मेथी ले लें। मेथी, तिल और जौ
यदि इसको रात को दरदरा कूट करके मिट्टी के बर्तन में 400-500 ग्राम पानी में आप भिगो दीजिए। भिगो करके सुबह आप उसको मसल लें, वो थोड़ा बैठ जाएगा, थोड़ा लेस लेसा हो जाता है मेथी की वजह से, फिर थोड़ा सा बैठ जाने के बाद में उसको नितार करके छान करके पिए। यदि सुबह खाली पेट नियमित रूप से पीते हैं तो डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रयोग है, बहुत लाभकारी प्रयोग है। और जिनको डायबिटीज की वजह से दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं रहती हैं, किडनी डैमेज होने की, रेटिनोपैथी की, या और दूसरी जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको रोकने के लिए भी यह एक अचूक, बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल औषधि है। जिसको पेशाब कम होता है, जिसको पेशाब में जलन रहती है, या जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उन रोगियों के लिए भी यह एक बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर प्रयोग है। मात्र 10 ग्राम जौ, 5 ग्राम तिल और 3 ग्राम ले लीजिए मेथी, तीनों को रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो करके आप सेवन करें तो इससे अंदर की गर्मी शांत हो जाएगी, जलन और दाह भी शांत हो जाएगा। जो पेशाब रुक रुक करके आता है उसके लिए भी यह लाभकारी है। तो मधुमेह के रोगी नियमित रूप से इसका सेवन करें। और मधुमेह के रोगियों के लिए मेरा एक सविनम्र आग्रह है कि वो जौ की मिस्सी रोटी, जौ, चना और गेहूं, इसको मिला करके मिस्सी रोटी का ही सेवन करें। हालांकि आरोग्य आटा के अंदर भी हमने जौ को डाला हुआ है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए वह आरोग्य आटा भी सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो कमजोर हैं, घर में आजकल बोर्नविटा और अलग अलग तरह के बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयुक्त समझ करके खिलाते जाते रहते हैं, मेरे हिसाब से वो इतने गुणकारी नहीं है। आप सिंपल यदि आप जौ का दलिया बना लें, जौ, चना, सोयाबीन, गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन, गेहूं, यदि चार अनाजों को भी अपने हिसाब से मात्रा निर्धारण कर करके यदि आटा बना करके रोटी नियमित रूप से अपने बच्चों को देते हैं तो जो मिनरल्स चाहिए, जो कैल्शियम, आयरन वगैरह की शरीर की जो आवश्यकता होती है, जो मिनरल्स की आवश्यकता होती है, वो काफी मात्रा में हम इससे पूर्ति कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप जौ को भोजन का अभिन्न अंग बना लें। हालांकि आरोग्य आटा के अंदर भी हमने जौ को डाला हुआ है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए वह आरोग्य आटा भी सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। पंखा लगाएगा, एक टन का है, दो टन से भारी।